नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एमआर भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बबलू ढाबा की, जो कि बग्गा नामक स्थान पर चंबा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये रावी नदी के किनारे एक ऐसा ढाबा है जहां की हर चीज़ जो है वो देसी है। तो क्या हैं इसकी विशेषताएँ, आइए चलते हैं बात करते हैं ढाबा के मालिक से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैसे तो तीरथ सिंह है, वैसे बबलू करके जानते हैं मेरे ढाबे को। बबलू सर, मैंने भी आपके ढाबे के बारे में बहुत सुना, तो आज मैंने लंच भी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आपके ढाबे की कुछ विशेषताएं जो हैं वो बताएं आप। सर मेरी दुकान में हिमाचली खाना मिलता है, उसके अलावा ऑर्डर पे जो भी बनवाए और अपने देसी सामानों से तैयार किया हुआ, देसी राजमा, देसी मांस की दाल, लस्सी की कड़ी, पालक पनीर और मक्की की रोटी, जो कि अपने हाथों से तैयार किया जा रहा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है सर कि आपके यहाँ जो कुकिंग होती है उसमें सभी कुछ जो है वो देसी इस्तेमाल किया जाता है? देसी इस्तेमाल किया जाता है। और दालें वगैरह, राजमा? दालें देसी करी जाती है। अच्छा, राजमाश वगैरह भी देसी होते हैं सर? अच्छा सर, मैंने भी ग्राहकों से भी सुना, मैंने बात भी कर रहे थे कुछ लोग की, देसी घी का जो परांठा है वो बहुत टेस्टी है, तो सर देसी घी आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं? हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्यार सिंह है। अच्छा प्यार सिंह सर, आप कितने समय से यहाँ बबलू ढाबा में काम कर रहे हैं? सर मेरे को 24 साल हो गए। 24 साल? 24 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, और सुबह कितने बजे सर आप काम शुरू करते हैं? सुबह सर हम 4 बजे से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है? 4 बजे से शुरू हो जाते हैं और 5 बजे हमारा जो काम है सब रेडी हो जाता है, और रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक? अच्छा, तो पूरा दिन जो है वो आप कुकिंग वगैरह करते रहते हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, तो कुकिंग वगैरह में आप साफ सफाई का तो बहुत ख्याल रखते होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छी तरह से सर, ये आपने प्लेटें जो हैं वो धोकर यहाँ पर डिसिप्लिन से लगा रखी हैं? बिल्कुल सर। और ये आपने आटा, और आप अभी जो है वो चपाती बना रहे हैं, और दूध वगैरह भी अपना देसी गाय का है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अपना देसी, जो चाय में इस्तेमाल करते हैं आप? बिल्कुल सर। अच्छा, अपना सब चीज़ें देसी यूज करते हैं। तो रश तो बहुत रहता है सर आपका, तो फिर आपको थकान लगती है? बिल्कुल सर, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक होते हैं तो थकान तो लगती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी, आप यहाँ अपने बबलू ढाबा में काम करते हैं? जी सर। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 10 साल हो गए जी। 10 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो आप क्या क्या सर्व करते हैं प्लीज बताइए जरा। नाश्ते में हम देते हैं चाय, परांठा, पूरी। अच्छा। चना जी, बंद मक्खन टोस्ट वगैरह, चाय जी सर। और लंच में? लंच में आ गई आपकी चमियाली धाम देते हैं, और राजमा कड़ी दाल, पनीर की सब्जी देते हैं, मिक्स वेज देते हैं जी। और रेट्स वगैरह क्या हैं? रेट 90 रुपए की थाली है जी। 90 रुपए की थाली है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए आपका, वेलकम। बबलू सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रावी के किनारे जैसे आपका ढाबा है, ये तो बहुत खूबसूरत व्यू है, तो बाहर से आने वाले लोग जो आपके ढाबे में खाना खाते हैं वो भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं सर? वो तो बहुत तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि आपके लोकेशन में, रावी के किनारे लोकेशन में बहुत अच्छा ढाबा है और खाना बहुत बढ़िया मिलता है, लोकेशन बहुत अच्छी है। जी सर, और वाकई ये सही बात है और ये सच्ची बात है, वाकई बहुत खूबसूरत व्यू है ये। और मैं बोलना चाहूँगा हिमचक्षु व्यूज के आल व्यूवर्स से कि जब भी वो अपने चंबा से भरमौर की तरफ, होली की तरफ आएं, तो ज़रूर इस ढाबे पर रुक कर और यहाँ वो खाना खाएं और फिर जाएं। कुछ ग्राहक जो हैं वो इस वक्त खाना खा रहे हैं। ₹9,41,45,43।
ये बबलू ढाबा के जो कुक हैं प्यार सिंह जी, ऑमलेट मारे हैं देसी घी में। जैसा कि अभी भी हम देख रहे हैं HRTC की एक बस यहाँ पर खड़ी है और भी प्राइवेट बसें भी यहाँ आकर खड़ी होती हैं और यहाँ पर जो हैं वो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रुकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस ढाबे का माहौल भी जो है वो बहुत शांत है और यहाँ पर एक हमारी बहन जो है वो खाना खा रही हैं, तो हम देख सकते हैं इसमें फुलका जो चपाती है और सफ़ेद चने की एक दाल है और सब्जी है, आपने आलू गोभी की, चावल है और राजमा से और कड़ी है, सलाद वगैरह है और अचार और दही है। ये सारा सामान जो जैसे बबलू सर ने, जो इस ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने जैसे बताया कि सारा जो है वो देसी चीज़ें हैं और देसी ही तड़का लगता है, बहुत विशेष है ये। तो मैं आप सब व्यूवर्स से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी चंबा से भरमौर, होली, छितराड़ी या लील की तरफ जाएँ तो ज़रूर इस ढाबे पर रुक कर और खाने का आनंद लें। बबलू सर, मैं हिमचक्षु ब्लॉग्स के व्यूवर्स की तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने ढाबे के बारे में और इतने अच्छे खाने के बारे में हमें बताया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।